सरकारी अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का सीडी और सीएमओ ने किया निरीक्षण। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में लोगों को त्वरित ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कस्बे के सरकारी अस्पताल में विधायक निधि से बन रहे 20 केजी प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार वैश्य और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के सचान ने गहनता से निरीक्षण किया। जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर के सचान ने बताया कि जनपद में सबसे पहले शुरू होने वाला ये पहला ऑक्सीजन प्लांट है, जो आशा से भी कम समय में शुरू हो रहा है। इसके शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को, जो ऑक्सीजन के अभाव में जिला मुख्यालय या बाहर भेजे जाते थे, उन्हें राहत मिलेगी। जबकि मुख्य विकास अधिकारी ने प्लांट की मौजूदा स्थिति और मैप का अध्ययन कर जे से काफी समय तक बातचीत के बाद बताया कि मौदा सीएचसी का ऑक्सीजन प्लांट जनपद में पहला प्लांट है, जिसकी मशीनें आदि सेट की जा चुकी हैं और हमें आशा है कि अगले 2 या 3 दिनों में प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, प्लांट हमारा आ चुका है, आपके सामने है, सेट भी निर्मित हो चुका है, अभी इसकी फिटिंग का काम है। तो ये हमको लगता है कि 3 दिन और लगेंगे, 3 दिन के बाद ही हमारा प्लांट पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।